भाई इसको मैंने अभी अभी एक गिफ्ट दिया है, थैंक यू बोल। मैं कोई भी शॉट देता हूँ ना तो ये मेरे को देख के हंसा देती है यार। कल आकर के सो गए और अभी ये तो अभी तक थकी हुई है। ओके गाइस गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड अभी जस्ट उठा मैं एंड तैयार वैयार हो गया भाई। आज एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कहीं और हम लोग एक्चुअली कुछ काम से आए हैं, ठीक है। अब क्या है वो तुम गेस कर सकते हो, तुम सोचो थोड़ा क्या हो सकता है। बाकी बज रहे हैं सुबह के 6 और भाई बाहर है ऐसा मौसम, चलते हैं। नहीं सुबह पहली बार तैयार हुआ हूँ मैं, चलते हैं कनिका को देखते हैं वो तैयार हुई कि नहीं, फिर निकलना है कहीं तो वहाँ जाएंगे। लेट्स गो। ये हो रही है भाई फुल मेकअप, इसके बिना ये अच्छी नहीं दिखती, तो लड़कियों को मेकअप की जरूरत पड़ जाती है देखो। बाकी हम तो स्टड लौंडे हैं, हमें नहीं जरूरत है। ओके भाई तो वो हो रही है तैयार, तब तक मैं इधर बैठता हूँ भाई, मेरे को तो नींद आ रही है कसम से, सो नहीं सकता अभी, बट चाक आके सोऊंगा आज शाम को मजे से। ओके दोस्तों हमने मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह कर दिया, अभी मैं मेकअप थोड़ा लगता है ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ा मेरा भी मैं तो मैं सच बताऊं मेरे को ना थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। मैं तो कभी करता ही नहीं खैर मेकअप वेकअप, मैं भी नहीं करती। जो लोग बोल देते ना कि मेकअप के बिना शक्ल दिखा, तो मैं मेकअप नहीं करती थी, अब देख लो मेकअप मेकअप के साथ शक्ल, ठीक है। ओके गाइस तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ऐसे थोड़ा कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, यहाँ देखते हैं कहीं आस पास है ना, चले क्या देख के आते हैं। बट इतने तैयार क्यों है तू आज, सरप्राइज है। चलो भाई चलते हैं, ये आ गई भाई गाड़ी पीछे, ठीक है चलो निकलते हैं, देखते हैं अभी बढ़िया सा लोकेशन है वहाँ पे जाएंगे अभी। तो भाई अभी रास्ते में थे और निकलते इसको सुसु लग गई, फिर कहीं रुक गए रैंडम जगह एक। सुसु के लिए भाई इतना स्ट्रगल चल रहा है भाई, हम बस टॉयलेट करने के लिए यहाँ आए। ओके दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों पे, कैसी तो लग रही भाई मेरे को, तो देख के लग ही नहीं रही कनिका है, मेरे को खुद को देख के नहीं लग रहा। बाकी यहाँ पे शूट करेंगे हम लोग, मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रही हूँ पता है। चलो भाई चलते हैं नीचे, फुल आए भाई यहाँ तैयारी चल रही है सूट की, कनिका भी रेडी हो गई है। अब तो तेरा पूरा आउटफिट आया, तब से तो तूने जैकेट चढ़ा रखा था, अभी एक्साइटमेंट में ठंड गायब हो गई है, अब ठंड नहीं लग रही, अब नहीं लग रही। दोस्तों सुबह सुबह आ रही है चाय सूट से पहले, चाय मेरे लिए तो बहुत सुबह है यार, आज नहीं सुबह में कभी उठता ही नहीं। मैं कोई भी शॉट देता हूँ ना तो ये मेरे को देख के हंसा देती है यार, चाहती है कि मैं देखती हूँ आपकी तरफ, इसका मतलब ये थोड़ी आपको मेरी तरफ देखना है। ये क्या मतलब है भाई, इसको मैंने अभी अभी एक गिफ्ट दिया है, थैंक यू बोल। आपने नहीं दिया है मेरे को, इन्होंने दिया है, खोल के भी दिखा रहे हो, अब खोल के भी दिखा, दिल से दिया है मैंने, बनवाया दिल से मैंने एक गिफ्ट दिया। हेलो गाइस, हेलो, मैंने बनवाया, मैंने बनवाया, मैंने खुद पैक किया है अपने हाथों से, मैंने पूरे 20 रुपए दिए यार, 20 रुपए 100 दिए थे, 20 रुपए के डब्बे थोड़ा बहुत भी बाकी है आज का, और 4 बज गए ना, मस्त करके अभी आ गए ये दाल चावल, बहुत सारा रोई हाँ ये रो भी रही थी अभी। नहीं क्यों इतनी ठंड हो रही है, रोने कैसे निकलेगा। नहीं। चलो भाई खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद सूट कंटिन्यू करते हैं, फिर जाएंगे होटल। आज तो बढ़िया नींद आई भाई, कल नहीं आई थी नींद। फाइनली दोस्तों आज का सूट खत्म हो गया है ना, नहीं कहा हुआ है अभी, नहीं हो गया ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट हाँ पूरा। बाकी यहाँ इतनी ठंड बढ़ गई ना, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, इधर से इतने बढ़िया व्यू भी है, यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा, बट ठंड बहुत ज्यादा है तो जाना पड़ेगा, कोई कपड़े दे तो रुक सकती, ये तो कहाँ पड़ी है पूरी। बाकी ये देखो व्यू भाई क्या बढ़िया है, हो गया भाई पूरा सूट कंप्लीट, आ गए ऊपर, कैमरे वैमरे बांधे जा रहे हैं इनके, मजा आया तेरे को, इसको मैंने आज बहुत पीट दिया भाई, इन्होंने शूट का पूरा फायदा उठाया है, मतलब जहाँ जहाँ पे सीन थे ना कि पीटने वीटने वाला पीट दिया। तो भाई चाय आ गई है, बहुत सारी चाय है, बहुत सारे लोग हैं, अभी तेरा मस्त मेकअप दिख रहा है, बता चाय पी के चलते हैं सीधा होटल पे भाई, अब ठंड सहा नहीं जाना मेरे से। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, आज मैं उठा हूँ भाई अभी, और आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश, और यहाँ से ऋषिकेश ऑलमोस्ट कितना दूर है कनिका, 45 मिनट, यस यहाँ से ऋषिकेश है 45 मिनट, तो हम लोग जाएंगे आज यहाँ से ऋषिकेश, और उसके बाद फिर इधर उधर घूमेंगे थोड़ा, ऋषिकेश दिखाते हैं तुम्हें। और क्या करने आई है वैसे यहाँ, तो कुछ काम से आई थी क्या, हाँ। तभी तो व्लॉग नहीं कर पा रही, वही वही। मतलब दोनों ही काम से आए हैं, हाँ। इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों, बाद में हम ना वही बाद में बताएं, दूसरे व्लॉग में लिवील लिवील दूसरे अरे यार ये क्या हो रहा है, दूसरे व्लॉग में रिवील करेंगे, इसको देखो जैकेट पहन रखा है, अब मैंने नीचे ये करे यार, ऐसे नंगे नंगे कपड़े पहन के ठंडे में मर जाऊंगी मैं, इसलिए नीचे जाने नहीं डाल दी। तो अभी चलते हैं भाई डिनर विनर कर लेते हैं, करते हैं अरे यार सुबह के 7 लग रही है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे सीधा ऋषिकेश। भाई यहाँ आके भी मेरे को पूरी और भाजी चाहिए, तूने क्या क्या दे दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया क्या, सब इंग्लिश ब्रेकफास्ट प्लस देसी ब्रेकफास्ट, कब के लिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोली, और ये क्या, व्हाट इज दिस वाटरमेलन जूस,
अच्छी लग रही है, खा लेते भाई पूरी भाजी, बेस्ट है भाई। ओके गाइस कैब आ चुकी है, अभी चलते हैं सीधा ऋषिकेश की तरफ, फुल सामान पैक हो रहा है इधर, यहाँ से हम लोग चेकआउट करके जा रहे हैं ना। अरे भाई अच्छी आ रही है भाई, पहुंच गए ऋषिकेश, यहाँ क्या ठंडा है, और सामने देखो भाई कितना प्यारा व्यू है, इधर देखो भाई बहुत बढ़िया है भाई, मस्त हवा लग रही है ना, एकदम अच्छा लग रहा है ना, ऐसा खुली खुली सांस, हां बढ़िया लग रहा है हवा भाई, एकदम मस्त है। तो तुम लोगों को मैं बता ही देता हूं कि हम लोग यहां क्यों आए थे, हम लोग आए थे अपनी म्यूजिक वीडियो शूट करने, ठीक है, लेकिन BTS वगैरह जो है अभी नहीं डालूंगा मैं, जिस दिन म्यूजिक वीडियो रिलीज होगी ना उसी दिन डालूंगा, तो उस दिन देख लेना, बाकी आज मैं ऐसे नॉर्मली व्लॉग कर लेते हैं पूरे दिन, तो उसका डालूंगा, ठीक है। चलते हैं अभी नीचे से शूट वूट पे, अभी जस्ट पहुंचे हैं हम लोग ऋषिकेश में, आज है, कल हम लोगों ने देहरादून में कर लिया था शूट, जो तुमने व्लॉग देखा होगा, मे बी प्रतिश भैया अगर काम कर दिए होंगे तो, है कि नहीं व्लॉग देखा होगा शायद, तो कल हम देहरादून में शूट कर रहे थे, आज ऋषिकेश में, वो BTS वगैरह जितने भी हैं मैं तुम्हें एक व्लॉग में डाल के वो जो म्यूजिक वीडियो आ जाएगी तब दिखा दूंगा, ठीक है। अभी चलते हैं सीधा नीचे शूट पे, बहुत सारी चीज़ें शूट कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग बड़ी मार्केट में शूट कर रहे हैं, देख रहे हो तुम क्या बढ़िया, अच्छा मार्केट अभी खाली हो गया, देख जब हम लोग शूट कर रहे थे पूरा भरा हुआ था, है ना, तो और बहुत सारे लोग भी मिल रहे हैं, बट मैं सबके साथ फोटो नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा दुख हो रहा है मेरे को, बट यहाँ पे करेंगे अभी कुछ शूट वूट, यहाँ चल रही है बढ़िया, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे। हाँ राफ्टिंग चल रही होगी भैया, राफ्टिंग करना है, राफ्टिंग कर लूंगा मैं तो इसमें, भाई क्या मस्त लग रहा है पानी, मैं इसमें करूंगी राफ्टिंग, मजा आ जाएगा सब से, बोल रही है कि डाइव मार दूंगी पानी में, भाई तू मार दे अभी, तेरे को 1,00,000 रुपए दूंगा गारंटी, नहीं चाहिए 1,00,000 रुपए, पैसों की भूखी नहीं हूँ मैं, 1,00,000 रुपए दूंगा कूद जा बस पानी में। मस्त भाई अभी गंगा घाट के सामने एकदम यहाँ पे बैठ के एक शूट चल रही है, एक सीन चल रहा है अभी, फुल सेट है कनी का, मतलब ऐसे उसमें दोस्तों संदीता कुल्फी ले ली, डायरेक्टर साहब हमें आइसक्रीम खिलाने, प्रोडक्शन बढ़ गया, देखो गाइस ये अच्छा होता है पता है, आप आर्टिस्ट वाइज थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे टच देते रहो खिलाने पिलाने का, तो शूट अच्छा होता रहता है, टेंशन नहीं होती है, ये भूखे पेट बिल्कुल भी नहीं करा रहे, प्रॉपर खाना खा रहा हूँ मैं। कैसे अभी राम झूला के पास शूट वूट कर लिया, अभी चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, यहाँ पे तो हो गया कम्प्लीट, कहीं और चल लेते हैं ना, चलो चलो यहाँ पे बहुत बढ़िया शूट हुआ हमारा। ये देखो भाई क्या चल रहा है इधर, ये आए हाय हाय टाइटेनिक वाली पोल, ये देख भी रहे हैं मेरे को। ओके दोस्तों सूट वूट खत्म करके हम आ गए हैं दूसरे होटल पे, है ना, और ये होटल का रूम चेक, इस होटल पे हमको बालकनी भी मिली, आपको वो वाला ये तेरा है 110, ये आपका 109 मेरा, ठीक है, वाह खोलना आ गया चलो। ओ भाई ये तो और बड़ा रूम है यार, बहुत प्यारा, और बालकनी भी है इसमें, ये देखो भाई क्या रूम है यार, इसमें बालकनी है, ओके नाइस, बालकनी भी है भाई इस रूम में, तो सब बढ़िया एकदम बढ़िया, बड़ा सा रूम है मज़ेदार, कनिका का रूम देख के आते हैं, बाथरूम देख लेते हैं, वाह ये है दोस्तों कनिका का रूम, ये भी बहुत बढ़िया है यार, बड़ा सा है ये, तो पिछले बार से भी बड़ा है ना, हाँ है ना, हाँ पर बाथरूम पिछले वाले के ज़्यादा सुंदर था, पिछले वाले का बाथरूम ज़्यादा सुंदर था कैसे क्यों पता नहीं, देखो ना अच्छा तूने कार्ड नहीं, कार्ड ना मेरे पास है, हाँ ये थोड़ा छोटा सा बाथरूम है, ये छोटा बाथरूम है ना, और शावर भी उतने मजेदार नहीं है, ठीक है नाइस, बट ये कि बालकनी है, बालकनी। ओके गाइस तो कल हम लोग ना पूरा शूट वूट खत्म कर लिया, ठीक है, हमारी दोनों म्यूजिक वीडियो शूट हो चुकी है, ये भी बता दिया मैंने कि दो दो म्यूजिक वीडियो आ रही है, ठीक है, तो दोनों की शूट कल खत्म हो चुकी है शाम तक, और उसके बाद हम लोग आ गए, और फिर आते ही डायरेक्ट सो गए, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा थक गए थे, दो दिन से शूट चल रहा था लगातार, सुबह 6 बजे से उठ रहे थे और शाम के 8-9 बजे तक चल रहा था, ठीक है, 11-12 बजे तक घर पहुंच रहे थे, हाँ 11-12 बजे तक घर पहुंच रहे, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा थक गए, तो कल आ करके सो गए और अभी सुबह उठे तो सामान वगैरह पूरा पैक, चले ये तो अभी तक थकी हुई है, और मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा गाड़ी में बैठ के जाने का इतनी दूर, और अभी समझ रहे हो तुम दिल्ली जाना है हमें, और लगभग 5-6 घंटा मस्त ठंडी छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं यार, अब यहाँ से जाने का भी मन नहीं करता यार, उत्तराखंड में 1-2 दिन रह गए ना, तो फिर जाने का मन नहीं करता, खैर जाना तो पड़ेगा, बट सामान वगैरह अभी पैक हो चुका है, चलते हैं, अभी नीचे हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, अभी जाकर के कर लेंगे, इसके बाद सीधा बैठेंगे गाड़ी में निकल जाएंगे दिल्ली, ठीक है। बाकी जो है शूट वाला, अब जितना भी BTS थी, जितने भी चीजें थी, वो तुम लोगों को म्यूजिक वीडियो जब आएगी उसके उसी दिन या फिर अगले दिन तक मैं BTS डाल दूंगा, तो तब देख लेना वो वाला ब्लॉग, बाकी आज तो हम ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर, जो जो कर रहे हैं वो चीजें बता दिया तुम्हें, चलो निकलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। ओके गाइस बाहर आ गया भाई, कैब आ चुकी है हमारी, तो भाई अभी दिल्ली पहुंच गए ऑलमोस्ट, और भाई दिल्ली पहुंचते इतना ट्रैफिक है ना, क्या हालत हो गई भाई ट्रैफिक। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर पे, ठीक है पहुंच गए यार। ओके भाई चलते हैं,
बहुत सारा बैग है। फाइनली भाई आ गया रूम में। ओहो हो, बहुत दिन के बाद पूरा रूम गंदा है, पूरा साफ करना पड़ेगा, और इसलिए मैं लेके आया हूँ कनिका को। ठीक है, तो मेरा पूरा रूम साफ गंदा है कनिका, साफ कर। मैं साफ करूँ? हाँ, इसलिए लेके आया मेरे को अभी। चल आ जा, रूम साफ कराऊंगा दोस्त ने इससे। आते ही झाड़ू पकड़ा है। हाय राम, क्या मस्त है ना गंदा। आए चल साफ कर दे फटाफट। पहले मुझे चाय चाहिए, उसके बाद मैं कर दूंगी साफ, मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक, ये भाई प्रदेश भैया आ चुके हैं दोस्तों, मतलब मैं आ चुका हूँ और प्रदेश भैया से मिल लिया। भाई बहुत अच्छा है, तुम लोगों ने मिस यू प्रदेश भैया, मिस यू प्रदेश भैया कमेंट सेक्शन में भर दिया था। तो कैसा लग रहा है भैया के आले की फैन पहले, कैसा लग रहा है आप 3 दिन मेरे से दूर रहे? तू बता ना भाई, मैं तो राहुल के साथ था। आ जाओ, ये क्या हो रहा है? मैं तो राहुल के साथ था। नाइस भाई, जो हमारी फटी है ना कल रात को। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? भूत वाली, भूत वाली, लोग भूत वाली वैसे भी कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं कि स्टोरी बताओ, स्टोरी बताओ। फिर कल कुछ, मैं राहुल एक साथ सोए, कल कुछ हुआ क्या? ये नहीं बताना था क्या कि मैं और ये एक साथ सोए? ये नहीं बताना, पर फिर भी कल की बताऊं, थोड़ा सा तो बताओ, ग्लिम्स फील हो मेरे को है। क्या कुछ तो फील हो, अब मैं कैसे बताऊं? तुम लोग कमेंट में बोल दो यार, बताने इनको। हाँ, पूरी स्टोरी बताएंगे ना, तो पूरी एकदम मस्त। भाई आज प्रीतिश भैया ने टाइम पे ब्लॉग एडिट कर दिया, क्या बात है यार, आज क्या बात है यार। ठीक है, तो बाकी यही था गाइस, बताना था तुम लोगों को कि म्यूजिक वीडियो आ रही है, वो भी एक नहीं दो म्यूजिक वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 में आ जाएगी। आई होप तुम्हें ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो पे कर दो कुछ लाइक करके, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हम 1 मिलियन के बहुत करीब है, कब से बोल रहे हो, कर दो यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो इस चैनल पे फटाफट से, ऐसी रेगुलर ब्लॉग देखने के लिए। आई लव यू, आई लव यू। अगला ब्लॉग देखना, बढ़िया है। क्या भैया आप पागल अंबानी? कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास? हमारा, मेरे को मालूम ही नहीं कितने करोड़ का है, कितना हेलीकॉप्टर है, कितना DCM है, कितना ट्रक है। क्या बात है।